रायबरेली में एक मंचले को नाबालिग छात्रा से छेड़खानी करना महंगा पड़ गया। परिजनों ने मंचले को पकड़कर पुलिस को सौंपा। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत डिग्री कॉलेज चौराहे का है, जहां शहर के एक मोहल्ले की रहने वाली नाबालिग छात्रा को कोचिंग से लौटते समय एक मंचला कई दिनों से लगातार परेशान कर रहा था। घर जाकर अपने परिजनों को पूरी आपबीती बताई, जिसके बाद परिजनों ने कोचिंग से लौटते समय छात्रा के थोड़े पीछे चलने लगे। जैसे ही मंचला छात्रा के करीब गया, इस समय परिजनों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मंचले को पकड़कर कोतवाली ले आई। छात्रा के पिता सुधीर ने तहरीर देकर आरोपी मंचले के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग करते हुए शहर कोतवाली में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। जी, वह हमारी बिटिया दीप कोचिंग पढ़ती है और 4 बजे पढ़ने आती है। उसको शाम को 6:40 छूटती है। छूटने के बाद यह एक हफ्ते से पर डे जो है लड़का बिटिया को परेशान कर रहा था और बिटिया को परेशान कर रहा था। 3 दिन पहले बिटिया हमारी घर पहुंची, बहुत रो रही थी कि मैं जो है कोचिंग में पढ़ने जाऊँ, पापा मुझको बहुत परेशान करता है। लड़का कितनी उम्र की बिटिया की? बिटिया उम्र हमारी जो है 11th में, ज़्यादा 14 साल की। और आप कहाँ रहते हैं, क्या नाम? मैं ये PSC पार रहता हूँ। अच्छा, PSC पार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधीर सिंह है। उसके बाद क्या हुआ? फिर मैं 2 दिन से मैं इस लड़के का FG कॉलेज पे खड़े होकर के वेट कर रहा था कि ये लड़का मिल जाए। ये कल भी गया, मुझको नहीं मिला। आज जब मैं अकेले खड़ा हुआ था, जब लड़की मेरी आगे निकल गई तो मैं पीछे उसके बाइक से देने दिया। तब ये लड़का पहले पीछे देख रहा था, फिर आगे गाड़ी भगा रहा था, फिर पीछे देख रहा था। अंत में जा करके सिविल लाइन पर जा करके सिविल लाइन पुल के पास भी हमारी बाइक देखकर पहले पीछे घूमा। उसके बाद जब देखा कि ये हो सकता है अनजान आदमी है, फ़ोन बात कर रहा है, तो ये बिटिया के बगल पहुँच गया हमारी। अच्छा, बिटिया के बगल पहुँचा जब तो उल्टिया देखा, पावली पापा यही है। तो हमने जब जान के पापा उसने बोली पापा ये, तो ये साइकिल लगा के भगा और हम इसको FG कॉलेज पर ला करके साइकिल ला करके पकड़ा। जो पकड़ा गया आरोपी, इसका क्या नाम है, कहाँ रहता है? इसका ये कप्तानपुरा बता रहा है, कप्तानपुरा आलोक यादव नाम है। अच्छा अच्छा, पुलिस के हवाले कर दिया आपने? जी जी, कोई तहरीर दे दी आपने? जी, मैंने तहरीर दिया है, क्योंकि एक गांव के लोग बता रहे हैं कि ये दिमागी रूप से वो है, कहीं कोई घटना कर देगा ये तो हमारी बच्ची के साथ है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।